दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल टॉपर स्टिक पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के अभ्यर्थियों के लिए और एक बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है रेलवे की तरफ से और ये खबर ऐसी है जो आप सभी के लिए जानना जरूरी है जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बैठने वाले हैं और जिन्होंने एग्जाम दे दिया है वो सभी के लिए। तो ये अपडेट है एग्जाम कैंसिलेशन के संबंध में और ये उस कैंसिलेशन के संबंध की जो ऑफिशियल अपडेट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर है, तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए विजिटर हो तो आपके वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा तो उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो करना था उसे भी दबा दो। और अगर आपको रीजनिंग मैथमेटिक्स की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे एक मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, आरआरबी कलकत्ता की ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके ठीक नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे देखिए CEN02 के लिए एक नोटिस है और ये CEN02 आपको पता है कि ग्रुप डी का होता है। और यहाँ पे ऊपर ही देखेंगे टॉप पे ही तो नोटिस लिखा हुआ है कि नोटिस ऑन रीशेड्यूलिंग ऑफ CVT ऑन अकाउंट ऑफ वेस्ट बंगाल बंद ऑन 26/9/2018। तो हम ये इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं किस तरह की अपडेट है इसमें। तो एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है या एग्ज़ाम जो पोस्टपोन्ड हुआ है उस संबंध में ये नोटिस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑफिशियल अपडेट है बिल्कुल 26 तारीख की कल की। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है कि ऑल द कैंडिडेट्स हु वर शेड्यूल्ड टू अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन वेस्ट बंगाल ऑन 26/9/2018 यानी 26/9/2018 को जिनका पश्चिम बंगाल में एग्ज़ाम था या सेंटर था, जिन्हें पहुँचना था सेंटर पर बट कुड नॉट अपीयर ड्यू टू द बंद इन द स्टेट, लेकिन बंद की वजह से अगर वो राज्य में नहीं पहुंच पाए, ठीक है, तो शैल बी गिवेन एन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द CVT। तो उन लोगों को एक मौका दिया जाएगा CVT में अपीयर होने का, लेकिन वो कब दिया जाएगा, 16/10 यानी 16 अक्टूबर के बाद दिया जाएगा। दिस कैंडिडेट शैल बी इनमिटेड अबाउट द रिशेड्यूल डेट एंड वेन्यू थ्रू वेबसाइट ईमेल एंड SMS। इन सारे कैंडिडेट को SMS ईमेल के जरिए और वेबसाइट के जरिए जो है उनका डेट पता चल जाएगा। तो ये ऑफिशियल नोटिस आई थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया एक तरह से समझ सकते हैं आप। तो ये कैंसिलेशन का जो बात चली वो इसलिए मैंने कहा कि जो पश्चिम बंगाल में बंद था वहां एग्जाम कैंसिल हुआ है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए आप सभी का।